ऑपरेशन ट्रूनेट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1024 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ऑपरेशन ट्रूनेट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तेजी से कैमरा लगाया जा रहा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 231 स्थानों पर 1024 कैमरा लगाया जा चुका है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन ट्रूनेट के तहत काफी सफलता मिली है, जिससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। इससे अपराध पर भी काफी नियंत्रण लगा है और निर्दोष व्यक्ति जेल जाने से बच गया है। गांव में कैमरा लगने से अपराधी डर रहे हैं कि वह अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को कोई झूठे मुकदमे में बताता है तो सीसीटीवी कैमरे से वह बच जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर चौराहे पर 4 कैमरा लगाया जाए। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 कैमरा लगाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, ऑपरेशन त्रिनेत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तेजी से कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी तक 231 स्थानों पर 1000 से लगभग अधिक कैमरे लगाए जा चुके हैं, लगभग 1024 कैमरे लगाए जा चुके हैं। हर स्तर पर जनरली 4 कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो इससे काफ़ी सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में मिली ऑपरेशन त्रिनेत के तहत, और इससे काफ़ी लोगों को भी फायदा हो रहा है। काफ़ी अपराध को नियंत्रण करने में काफ़ी इससे अहम भूमिका इसकी रही है, और इससे लोगों को भी एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिल रहा है कि अपराधी भी डर रहे हैं कि शायद वो अगर अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और इसके अलावा कोई निरअपराध है वो भी बच रहा है। कोई निरअपराध को भी इससे फायदा हो रहा है कि उसका किसी को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है तो उस तरह के झूठे मुकदमे में फंसाए जाने से बचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये अभियान अभी जारी रहेगा। हम लोग का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के कम से कम एक चौराहे पे कैमरा लगाया, तो हम लोग इसको और इसको विस्तृत रूप दे रहे हैं। फर्स्ट फेज में लगभग 317 स्थानों को हमने चयन किया था, पर अगले जो फेज है उसमें कम से कम 1000 स्थलों पे हम लोग नेक्स्ट फेज में विस्तार करेंगे, और लगभग 1000 स्थलों पे जो है कैमरे को लगवाया जाएगा। लगभग 5000 से अधिक कैमरा गोरखपुर में लगाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में।